तोसानगर उपनिरीक्षक की शर्मनाक हरकत आई सामने। महिला को अकेले ऑफिस में बुलाकर बिना महिला कांस्टेबल के पूछे घिनौने सवाल। मामला कानपुर देहात के मूसानगर थाने का है, जहां पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिलाओं से उप निरीक्षक बैजनाथ ने पूछे घिनौने सवाल। पीड़ित महिला ने बताया कि बीती रात वह अपनी ननद के साथ सो रही थी, तभी गांव का ही एक मंचला युवक उसकी छत पर पहुंचा और छत पर सो रहे पीड़ित महिला और उसकी ननद को बदनीयत के चलते दबोच लिया। जब महिला के द्वारा शोर मचाया गया तो युवक मोबाइल फोन और रुपए का लालच देने लगा, लेकिन उसकी कोई भी लालच काम नहीं आया तो युवक ने पड़ोसियों को आता देख कर वहाँ से भाग निकला। इसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली और मूसानगर थाने में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक बैजनाथ और दोनों महिलाओं को मूसानगर थाने ले आए, जहां पर एक तहरीर ली गई, जिसके बाद उप निरीक्षक बैजनाथ ने दोनों महिलाओं को बारी बारी से अपने ऑफिस में बुलाया और रात में हुई घटना पर घिनौने सवाल पूछने लगे, जिससे कि दोनों महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करती रहीं। वहीं पर बैजनाथ ने उन पर समझौता का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। कई बार बैजनाथ के ऊपर पैसे लेने के भी आरोप लग चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अभी तक पुलिस अधीक्षक के रवैये से कानपुर देहात की जनता न्याय पर भरोसा कर रही थी, तो ऐसे शर्मसार दरोगा पर क्या कार्रवाई होगी। आप उस समय कहाँ पड़े थे? फिर आपने क्या किया? चिल्लाने के बाद फिर क्या किया? सब लोग आए थे। आज आप थाने आई तो सर ने पूछा था फोन क्या कह रहा था बताना नहीं। यहाँ थाने में आपकी पूछताछ दरोगा जी कर रहे थे। महिला कांस्टेबल बाहर बैठी थी। किसने बुलाया था? क्या पूछा आपसे? टेबल के कैसे आपसे बिना महिला कांस्टेबल कमरे में बुला के आपसे पूछताछ? क्या मामला है? आज आपको थाना आना पड़ा? सर मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है और कानपुर में मेरे सास ससुर और मेरे पति सब वहीं पे कानपुर में। 9 तारीख को एक्सीडेंट हो चुका है, 10-12 दिन हो गए यहाँ पे आए नहीं है। अब 11 बजे के लगभग पाते मेरे घर पे आया है। पाते कौन है? पाते गाँव का है मालूम, दादा का लड़का है। आपके पति के दादा का लड़का है? क्या सर? आपके पति के दादा का लड़का है? पति जी हाँ। और ने फिर एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया, हम चिल्ला पड़े हैं तो मेरा मुंह भी दाग दिया है, चिल्ला पड़े। फिर मेरी नंद भी उसको भी जगाए तो उन्होंने फिर जगा, उससे भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि चिल्लाओ मत, जब चिल्लाओगे तो जान से मार देंगे।
ऐसे सर धमकी भी दी थी उन्हें। अब इन्होंने चिल्ला पड़े तो फिर गांव के लोग बगल गए, सब लोग जग गए, फिर आए थे और मिला गए तो उसने डर कर उन्हें भाग लिया है। आज जब थाने में अपने अफसर हुई घटना के संबंध में जो अपने लिखित प्रश्न पत्र दिया है तो प्रश्न क्या कार्रवाई बैजनाथ सर को दिया था। सर उल्टा सीधा बातें भी कर रहे थे, वहाँ पे लेडीज पुलिस नहीं थी। कौन सीधे बातें कर रहा था? कैसा घर है, कौन सा पक्का है कि कैसे वो कैसे अंदर गिरा, कैसे ऐसे सर मामला कर रहा था। सामने वो प्रार्थना पत्र देकर हम बाहर भाग आए। अच्छा, थाने में किससे कौन आपसे अभद्रता की बातें कर रहा था? बैजनाथ। क्या कह रहे थे आपसे? कह रहे थे कि कैसे बिना ऐसे उल्टा सीधा बातें कर रहे सर, तो कह रहे हैं कि अभी पाठ आया नहीं था। जिस समय आपसे एसआई बैजनाथ जी बात कर रहे थे उस समय महिला कैसे भी नहीं थी क्या? महिला पुलिस नहीं थी, वो यहाँ पे अंदर वाले कमरे में बुलाया था, वहीं पे हम बैठ कर बात कर रहे थे। आपको अंदर कमरे में बुला कर बात कर रहे थे? इसके बाद फिर आपने क्या किया, चली आई आप? फिर हमने वहाँ प्रार्थना पत्र देकर हम चले आए।